बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, उसी का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नकल माफियाओं को चेतावनी दी है, कहा है कि सरकार बदल गई है, नकल माफिया सावधान हो जाएं। और अभी नकल माफियाओं की और भी गिरफ्तारियां होंगी, आगाह कर दिया है, ये बता दिया है। नकल माफियाओं को चेतावनी दी है सर आपने, बचेंगे नहीं और कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, नकल माफियाओं को तो काम चल रहा है और धीरे धीरे देखते जाइए होता है क्या, बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रहा है। और भरतपुर के डीग से भी बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां पर बारिश के बाद भर भराकर एक दीवार नीचे गिर पड़ी, दीवार के नीचे दबने से मासूम बच्चे की मौत हो गई है। टीन शेड की दीवार के पास ये बच्चे खेल रहे थे, कामा कस्बे के वुलखेड़ा गांव की घटना है। बच्चे खेल रहे थे टीन शेड के पास की दीवार के बराबर में ही, लेकिन इसके नीचे एक बच्चे की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। बारिश के बाद भर भरा कर ये दीवार ढह गई। स्पेशल रिपोर्ट में सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार। पेपर लीक, चुनावी नतीजे जैसे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। लोकसभा में विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उससे यही लग रहा है कि अगले 5 साल सरकार पर विपक्ष के नेताओं का पलटवार होता रहेगा। संसद में नीट पेपर लीक पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रही है, तो वहीं पीएम मोदी के आपातकाल का जिक्र भी राजनीतिक मुद्दा बना है। लेकिन विपक्ष केंद्र सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर ज्यादा हमलावर दिख रहा है, इसकी एक बानगी देखी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ताजा तरीन लेख में। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया है। सोनिया गांधी के इस आर्टिकल में जो प्रमुख मुद्दे रहे, वो नीट पेपर लीक मामला, इमरजेंसी, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे और स्पीकर चुनाव रहे। अखबार के अपने लेख में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। उन्होंने लिखा कि 2024 के चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने स्पीकर चुनाव को लेकर भी पीएम पर हमला बोला। अपने लेख में लिखा कि सरकार की तरफ से जब हमसे स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग की गई, तो हमने कहा कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। यही नहीं, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी नीट के मुद्दे पर पीएम मोदी पर जमकर बरसी। आर्टिकल में लिखा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप हैं। इस परीक्षा ने देश भर में कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। सोनिया गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने लेख के जरिए लोकसभा में मोदी सरकार के आपातकाल के प्रस्ताव पर भी जवाब दिया। लिखा कि 1977 के चुनाव में लोगों ने आपातकाल पर अपना फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया गया था, लेकिन 3 साल के भीतर ही कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिल गया जो पीएम मोदी की पार्टी अब तक हासिल नहीं कर पाई है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपने लेख के जरिए ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर फिर से अल्पसंख्यकों के घरों को महज आरोपों के आधार पर ध्वस्त कर रहे हैं। सोनिया गांधी के इस लेख पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने सोनिया के लेख पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा ना करने को कहा गया था, लेकिन विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर मुंह की खाई। अभी स्पीकर का मौका आया था, कहा था मोदी जी ने कि आप कंसेंसस बनाइए और स्पीकर के चुनाव में अपना कैंडिडेट मत खड़ा करिए, परंतु उनको तो कैंडिडेट खड़ा करना था, उन्होंने कैंडिडेट खड़ा भी किया और वहाँ पर वॉइस वोट से वोटिंग भी कराई। अब जब मुंह की खाली है तो कह रहे हैं कि मोदी जी कंसेंसस नहीं बना रहे। सच ये है कि वह अभी तक ये समझ नहीं पा रहे या ये उनके गले से नहीं उतर रहा कि उनको एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभानी है, ना कि हर बात पर नींद में करना है और हर बात पर टिप्पणी करनी है।
यही नहीं, बीजेपी ने इमरजेंसी के मुद्दे पर भी सोनिया गांधी को जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि देश में सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगी है, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। उधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की साथी पार्टी उद्धव गुट के संजय राउत ने भी 2024 के परिणाम को पीएम मोदी की व्यक्तिगत हार कह दिया। तो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो असत्य है। कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो नहीं है। इमरजेंसी तो केवल एक ही बार लगा था, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। उनका देखने का, सोनिया गांधी जी का देखने का नजरिया है एक, लेकिन एक और नजरिया इस चुनाव के नतीजों को देखने का वो ये है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे, कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंस में है, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जोश हाई है। दिल्ली एनसीआर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन इसी के साथ बरसात के बाद हालात से निपटने में सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया। और यह हाल तब का है जब अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है। शुक्रवार को हुई मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। दिल्ली दरिया बन गई और लोग तैरते नजर आए। कहीं गाड़ी डूब रही थी, कहीं घर, कहीं लोग। पानी की बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश ही इतनी बरस गई कि राजधानी मुसीबतों का शहर बन गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई, नेशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया। बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के महीने में दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। इस बार शुक्रवार को हुई 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में जून में औसतन बारिश 80.6 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन इस बार 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पहले ही बारिश में दिल्ली डूब गई, मथुरा रोड जलमग्न, प्रगति मैदान टनल बंद, तिलक ब्रिज अंडरपास में पानी, मिंटो रोड अंडरपास में सैलाब, संसद भवन, शांति मार्ग, लोधी रोड, लुटियन जोन, नेशनल मीडिया सेंटर, पौश इलाका हो या कच्ची कॉलोनी, हर जगह पानी पानी। दिल्ली ऐसी दिख रही थी जैसे समंदर में शहर समाया हो। पानी काफी हद तक कम हो गया है, तब जाके ये हाल है। जिस वक्त पानी, जिस सब सुबह जब ताबड़तोड़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस वक्त यहाँ पानी का स्तर क्या रहा होगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे टनल को बंद किया गया है और कोशिश की जा रही है कि हैवी पंप सेट के जरिए, जो कि इस टनल में पहले से जब प्लानिंग की गई थी कि कभी इस तरीके की स्थिति आती है, कभी जल भराव की समस्या होती है या तेज पानी आता है, तो यहाँ से पानी की निकासी कैसे हो, तो बड़े हैवी पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए आफत लेकर आई। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक दिन बाद तीनों मजदूरों के शव को मलबे से निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के बाद करीब 10 फीट पानी भर गया था। देखिए, दिल्ली सरकार निकम्मेपन की इंतहा कर दी है। हर साल पानी लगता है, लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी से पूछिए, क्या आपने किसी नाले को क्लीन करके, डीसिल्ट करके,
उसमें पानी के बहाव को बारिश के अनुसार करने की कोशिश की, जवाब मिलेगा नहीं। मॉनसून की पहली बारिश का असर देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स पर भी पड़ा है। देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाला दिल्ली एम्स खुद ही बीमार पड़ गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर की लिफ्ट लॉबी में भी पानी भर गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एम्स की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भरा है। इससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, तेज बारिश से एम्स के कामकाज पर भी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद छतों से पानी लीक होने और एसी बंद होने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। एम्स के इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके। मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाला हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में दो बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 8 और 10 साल थी। न्यू उस्मान नगर के पास खादर इलाके में करीब 5 फीट की गहराई वाली एक खाई में बारिश का पानी जमा हो गया था, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। दिल्ली में पानी पर हमेशा से सियासत होती है, चाहे दिल्ली बूंद बूंद को तरसे या फिर जिंदगानी पानी पानी हो जाए। इस जलभराव के मुद्दे पर भी राजनीति अब तेज है। जलभराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बीजेपी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी को बारिश को लेकर एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जो एनडीएमसी का एरिया है, एमसीडी का एरिया है, और उन्हें मालूम था कि बड़ा भारी वर्षा होने वाली है, तो एहतियात उनको बरतना चाहिए था। फिलहाल बारिश काल अभी शुरू ही हुआ है। पहली बारिश में 88 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर सिर्फ राजनीति ही होती रही तो अगली बारिश में भी डूबती दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर दिखेगी, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वहीं राजस्थान में भी पहली बरसात ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कई जिलों में तो हालात ऐसे हैं मानो सड़क पर नदी बह रही हो। जलभराव से कई जिलों में हालात खराब हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। शहर तरबतर, सड़कें लबालब। राजस्थान में बारिश काल, राजस्थान की मॉनसून की शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन इससे कई जिलों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई जिलों में सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। पहली ही बारिश में प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और घरों दुकानों से लेकर थानों तक में सैलाब आ गया है। डीग में तो बरसात ने जमकर कहर बरपाया। बारिश से जलभराव का आलम यह हुआ कि पूरा का पूरा थाना जलमग्न हो गया और थाने की फाइलें पानी में तैरने लगी। साथ ही थाने में रखा सामान भी खराब हो गया। वहीं धौलपुर जिले में जोरदार बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत बनी हुई है। सुबह से ही भारी बरसात से हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पाली में भी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। जिले में पहली बारिश में नगर परिषद के दावों की पोल खोल कर रख दी। नालों की सफाई ना होने की वजह से सड़कें नदी जैसी बन गई हैं। बात अगर चूरू की करें तो रतनगढ़ में झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन ज्यादा पानी बरसने से सड़कें दरिया बन गई। साथ ही निचले इलाकों में पानी भर गया। करीब 36 मिलीमीटर से रतनगढ़ में बाढ़ आ गई है और लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी है और प्रदेश में कई जिलों का हाल जलभराव से बेहाल है। ऐसे में मॉनसून के आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
सड़क पर कई मॉडल्स के बुलेट चलते आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह का बुलेट है। सोने की बुलेट की आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स ने इसे सच में करके दिखाया है। गोल्डन कलर की चमचमाती बुलेट पर 24 कैरेट की गोल्ड की परत है। किसकी है यह बुलेट और कितने की है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है, और कुछ ऐसा ही शौक है गोल्डन मैन ऑफ बिहार का। जी हाँ, ये टाइटल है जो चाहने वालों ने दिया है। असली नाम इनका प्रेम कुमार सिंह है। प्रेम कुमार भोजपुर जिले के हैं, लेकिन उनके गोल्ड के शौक ने उन्हें मशहूर कर दिया है, और गोल्ड से इस प्रेम ने ही बाइक को गोल्डन मैन बनाकर अनोखा बना दिया। गोल्डन कलर की ये चमचमाती हुई सोने की बुलेट की सारी खासियत बुलेट वाली ही है, लेकिन इसके बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। लगभग 200 से 300 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है, और ऐसा करने में करीब 13 से 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब उनकी ऐसा सब करने के पीछे की खासियत भी जान लीजिए। गोल्ड मैन ऑफ बिहार है, देश में दूसरा स्थान है, हमको देश में पहला गोल्ड मैन बनना है, तो जो हमारा हर चीज ईमानदारी की कमाई होते रहेगा और हर चीज मेरा गोल्ड के होगा, यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। बचपन से सोने से लगाव था, उम्र के बढ़ने के साथ उनका गोल्ड से प्रेम भी बढ़ता गया। शुरू में 5 किलो 200 ग्राम सोना पहनकर वो चलते थे, अब ये आंकड़ा बढ़ गया है और 5 किलो 400 ग्राम हो गया है। गोल्ड मैन ऑफ बिहार हम नहीं बोलते हैं, पूरा बिहार के लोग बोलता है, देश के लोग बोलता है। 5 किलो 400 ग्राम है, पहले 5 किलो 200 ग्राम था, 250 के एक बढ़ा है, अभी नया लिए हैं। प्रेम कुमार सिंह नीतीश कुमार के बड़े समर्थक भी हैं, और गोल्ड के जरिए वो उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। बदलते बिहार है हम, सुशासन के अखबार है हम, विकास के प्रचार है हम, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए किए हैं उनका शुक्रगुजार हैं हम। गले में सोने की अलग अलग मोटी चेन, सभी उंगलियों में रिंग, कलाई पर भी आभूषण के बाद अब तो सवारी भी सोने की हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा गोल्ड पहनकर चलने वालों में प्रेम कुमार सिंह का नाम होगा। प्रेम कुमार का लक्ष्य 8 किलो सोना पहनकर चलने का है, उम्मीद है वो इसे आने वाले समय में पूरा करेंगे। हाँ, सुरक्षा का उनको खासा ध्यान रखना होगा, इसके लिए वो बाउंसर्स पर खासा खर्च करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सिंगर सोनू निगम आशा भोसले के पैर धोकर उनका सम्मान करते दिखाई दे रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई में हुए एक इवेंट में मशहूर सिंगर आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी, लेकिन स्टेज पर सोनू निगम ने कुछ ऐसा किया जिससे आशा ताई भी हैरान रह गई, उनकी आंखें नम हो गई। इस मौके पर सोनू निगम ने स्टेज पर गुलाब की पंखुड़ियों से आशा भोसले के पैर धोकर उनका सम्मान किया। देखिए कैसे सोनू निगम आशा ताई के पैरों के पास बैठे, फिर कुछ लोगों ने उन्हें एक छोटा स्टूल, पानी की एक थाली और तौलिया दिया। सबसे पहले सोनू निगम ने आशा भोसले जी के पैरों को चूमा, उन्हें अपने माथे से लगाया, और इसके बाद सिंगर ने आशा ताई के पैर धोकर उनका सम्मान किया। सोनू ने आशा ताई के पैर भी पोछे। मंच छोड़ने से पहले सोनू ने आशा ताई की ओर देखते हुए अपने हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर सोनू निगम ने कहा, आजकल सोशल मीडिया पर गाना सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले सीखने के लिए सिर्फ लता जी और आशा जी ही थी, इन्होंने पूरी दुनिया को गाना सिखाया।
आशादाई से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया पर सोनू निगम का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह सोनू निगम ने आशा ताई का सम्मान किया, उनके पैर धोए, ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और यही हमारे संस्कार है। वहीं इवेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जहां कुछ लोगों ने सोनू की तारीफ करते हुए लिखा कि यही होते हैं संस्कार। कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों और दर्शकों ने सोनू निगम की जमकर तारीफ की और जिस तरह से उन्होंने आशा ताई का सम्मान किया उसको सराहा। अब सोशल मीडिया पर सोनू निगम का ये वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। अट्ठाईस दिन और 54 मुकाबलों के बाद आखिर वो लम्हा आ ही गया जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल कुछ ही समय के बाद खेला जाएगा। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। विजय रथ पर सवार दोनों टीमें